गाइस आज आप लोग ले लिखे गए एक और न्यू एपिक मोड जो कि गाइस अपने प्रो बाइने गाइस रिसेंटली गाइस कल ही खेल सके, इसलिए गाइस आज आप लोग लेके आ गया वाला मोड अभी पॉकेट एडिशन के लिए। गाइस इस मोड का नाम माइनक्राफ्ट बट आई कांट मिक्स एनीथिंग। आप देखोगे प्रो बाइ के वीडियो में तो सारा चीज गाइस इजीली मिक्स कर लेते थे एंड गाइस इस लिंक में गाइस पासवर्ड लगा हुआ गाइस, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना तब भी आप डिटेल में समझ पाओगे। पासवर्ड तो यार मैं कहीं पर भी दे दूंगा, तो बाद में कमेंट करके मत बोल लगा पासवर्ड कहाँ का नहीं, इसलिए पहले वीडियो का यार पूरा अच्छे से देख लो। चलो अपने पहला आइटम को अपना मिक्स कर दे। पहले अपने क्राफ्टिंग टेबल लगाएंगे, क्राफ्टिंग टेबल कुछ इस तरीके से एरो रखना है एंड उसके साथ टीएनटी रखना, कुछ इस तरीके से मिक्स हो जाएगा। टीएनटी और एरो गाइस थोड़ा सा भी अलग रखोगे तो क्राफ्ट नहीं होगा, दोनों का आमने सामने ही रखना है कुछ इस तरीके से। और ये गाइस एरो बो पे काम नहीं करेगा, बो पे कुछ काम नहीं करने वाला, बस ये एरो को होल्ड करके रखो रखोगे तो ये एरो गाइस ब्लास्ट कर देगा एंड गाइस आपको थोड़ा सा बस डैमेज देगा, बाकी जो अदर पार्टी रहेगा उस पर काफी ज्यादा डैमेज है कुछ इस तरीके से। तो होल्ड करके रखना है एंड डैमेज ऊपर डैमेज देते जाएगा। चलो गाइस अब चलते हैं अपने अगले वाले के ऊपर, तो अगले वाले के ऊपर भी क्राफ्टिंग मॉडल में आ जाते हैं। उसके बाद अपने एक्सपी बॉर्डर रखना है एंड गाइस टीएनटी रखना है, दोनों को आमने सामने रखना है। उसके बाद गाइस एक बॉटल बन गया जो कुछ इस तरीके से बॉटल बना हुआ है, ये भी बॉटल का होल्ड टाइप करके रखना है कुछ इस तरीके से, होल्ड टाइप करके रखोगे ये फूट जाएगा एंड गाइस डर्ट वर्ट कुछ नहीं तोड़ेगा। ये गाइस किसी को डैमेज देने के लिए जैसे कोई से मॉब को एंड गाइस कोई से भी एनिमल गाइस किसी भी चीज को यार ये डैमेज इजीली दे सकता है थोड़ा सा। चलो अपन अगले क्राफ्ट के ऊपर बढ़ते हैं जिसका भाई ये रहा हेलमेट एंड गाइस ये भाई पंपकिन वाला जो कुछ है भाई उसको क्राफ्ट कर लेना कुछ इस तरीके से ऐसा एंड गाइस इसको खा सकते हो। इसको खाओगे गाइस आपको मिल जाएगा यार स्लोनेस, और इतना स्लोनेस मिल जाएगा कि बार अपने जगह से ज्यादा दूर हिल ही नहीं पाओगे, इतना ज्यादा स्लो हो जाओगे। देखो मैं काफी ज्यादा स्लो हो चुका हूँ भाई, मैं आगे ही नहीं चल पा रहा हूँ। चलो ये था अगला क्राफ्टिंग के ऊपर बढ़ते गए, तो पहले फिर से क्राफ्टिंग टेबल पे आना है, उसके बाद एक पिकेक्स रखना है, उसके बाद रॉ बीफ रखना है कुछ इस तरह से क्राफ्ट होकर निकलेगा जो कि ऐसा है एंड उसको खाना गया खा के देखना है कुछ इस तरीके से ऐसा। वैसे खाने के बाद पता नहीं यार क्या हो रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा उससे क्या हो रहा था यार, मेरे को तो लिटरली यार कुछ समझ में नहीं आया, बस सर्वाइवल में आ गया तो भी। चलो यार अब अपन बढ़ते हैं अगले क्राफ्ट की ओर, तो वापस से क्राफ्टिंग टेबल पर आना है एंड स्वॉर्ड लेना है, स्वॉर्ड के बगल में एक फिशिंग रॉड लगाना है, तो आपको एक अलग से स्टिक टिप को मिलेगा, बस यार स्टिक को आप हाथ में पकड़ो और नाइट विजन एंड एक और इफेक्ट आपको अलग से मिल जाएगा, बस यार आप इसको होल्ड करके रखे रहोगे आपको पक्का पुकाया वो मिलेगा भाई क्या बोलते हैं ये जो कि मेरा वो फीस पका हुआ फीस मिलेगा ऑटोमेटिकली, बस आपको होल्ड करके रखे रहना है स्टिक को एंगेज आपको मिलते जाएगा भाई, मतलब खाने का चिंता तो इसमें ईजिली खत्म हो जाएगा। चलो और अगले ऊपर क्राफ्ट की ओर बढ़ते हैं, तो जो क्राफ्टिंग टेबल में जैसे कि मैं आया कुछ इस तरीके से ऐसा है, उसके बाद आपको दो चीज़ रख लेना जो कि ये अगर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा भाई इंक टाइप के नाम है या फिर उसका एरो भाई, दो चीज़ आपको रख लेना। उसके बाद कुछ इस तरीके से ब्लेंडिंग एरो आएगा भाई, इसका यूज क्या भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसको जैसे इधर उधर फेंक रहा हूँ यार कुछ हो ही नहीं रहा, शायद मॉब आपके ऊपर यूज करते हैं, बाकी यार मोड को ट्राई करके आप यूज जरूर कर लें। चलो एक और क्राफ्ट करते हैं यार जो कि डर्ट एप्पल, डर्ट और एप्पल को क्राफ्ट करना है उसके बाद उसको खा के देखते हैं अपने को इससे क्या मिलता है। जैसे कि अपन डर्ट एप्पल को खाए इस खाती अपने को हंगर का इफेक्ट मिल गया भाई, हंगर का इफेक्ट से क्या होता है पता नहीं, शायद अगर शायद लगता है हंगर अनलिमिटेड तक का फूल रहेगा शायद इसके इफेक्ट यही है शायद इफेक्ट पता नहीं बाकी कोई नहीं। चलो अपन अगला क्राफ्ट करते हैं जो कि यार अपना क्राफ्ट नहीं मिल जाते हैं, लेकिन अपने को लगाना ग्लो स्टोन डस्ट एंड उसके बगल में लगा देना भाई एरो, तो भाई एक और चीज़ बन कर देगा ग्लो स्टोन एरो है, इससे क्या होता पता नहीं बाकी जैसे मैं फेंक रहा हूँ इसको इससे कुछ नहीं हो रहा। चलो आयरन गोलम था यार यहीं कहीं पास, कहाँ भाई ये रहा आयरन गोलम को मारते, ओ भाई मैं आयरन गोलम को मारा रहा आयरन गोलम से पार्टिकल निकल रहा, मतलब कि ग्लो का मतलब कि वो इफेक्ट मतलब आयरन गोलम की मिल गया, मतलब आयरन गोलम की हो रहा, आयरन गोलम यार काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है। इसमें कैसे आप गन भी क्राफ्ट कर सकते हो, आप इसमें काफ़ी सारा और भी ओपी ओपी चीज़ क्राफ्ट कर सकते हो जो कि ईजिली एकदम मतलब क्राफ्ट की हो रहा, मतलब कंबाइन कर सकते हो जो कि काफ़ी ईजी है काफ़ी अच्छा है। इसमें कहीं नाइट विजन भी आप मतलब कंबाइन कर सकते हो। चलो यार कैसे करते दिखाता हूँ, पहले यार सिंपल से आपको टॉर्च लगेगा, टॉर्च ले लेना साथ ही साथ एक गाइस चैन का हेलमेट लेना कुछ इस तरीके से ऐसा एंड आपका नाइट विजन इजीली क्राफ्ट हो जाएगा। हाथ में रखे रहोगे तो अनलिमिटेड टाइम के लिए आपको नाइट विजन का पैकेज मिले रहेगा एंड नाइट करके भी दिखा रहा हूँ, जैसे कि नाइट के देखो और सारा चीज दिख रहा है लग रहा है कि डे के टाइप दिख रहा है एंड जैसे कि मैं इसको छोड़ूंगा यार तो वापस यार अंधेरा हो जाएगा, वापस चाहान में पकड़ूंगा तो देखो यार उजाला हो गया। नाइट विजन का पैकेज के हिसाब से भी आप इसलिए यूज कर सकते हो, बस आपको एक्सपेरिमेंट ऑन करना पड़ेगा। तो गाइस आपको मोड कर सकता कमेंट में जरूर से बताना, और ये रहा गाइस जो कि स्क्रीन पे दिख रहा पासवर्ड, जाला पासवर्ड डाल के डाउनलोड जरूर से कर लेना, मोड कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। कल आने वाला गाइस टॉप 5 बेस्ट क्लाइंट, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लो।